जी हाँ, बढ़ते पहली खबर की ओर। लोगों में बढ़ते अंधविश्वास के चलते लगातार मौत के मामले सामने आ रहे। पहला मामला यूपी के मेरठ से है, जहां पर एक 2.5 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और बच्ची को चाकुओं से गोदा गया था। साथ ही उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और बच्ची का बिना कपड़ों का शव शमशान से बरामद हुआ। वहीं दूसरे मामले का एक वीडियो श्रावस्ती जिले से सोनवा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां झाड़ फूक के नाम पर मासूमों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग मासूम को जमीन पर गिराकर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। जी हाँ, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल हुआ। ये स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जी, जिस तरह से यहाँ पर बच्ची का कत्ल और इस तरह से बलि का मामला सामने आया, क्या पर कहेंगे? जेवा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला 17 जुलाई का है, यानी मुहर्रम के दिन का मामला बताया जा रहा है, जहां पे आप देख सकती हैं झाड़ फूक के नाम पर मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मासूम को जमीन पे पटक कर और उसको लातों से, पैरों से लगातार उसके ऊपर पैर रख करके और ये झाड़ फूक किया जा रहा है। चुकी है क्या ये, इसको लेकर के डीएसपी ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं और इसमें जो भी तथ्य सामने निकल के आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी जेबरा, इस जो श्रावस्ती से ये मामला सामने है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये अंधविश्वास का मामला पूरी तरह से सामने है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से एक बच्चे के साथ इन लोग नाच गा कर और झाड़ फूक करते नजर आ रहे। इसमें जो लोग शामिल है, क्या कुछ उनपे कार्रवाई हुई है अभी या नहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा, एसपी जो यहाँ के एसपी घनश्याम चौरसिया है, उन्होंने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और संज्ञान वीडियो को लेते हुए थाना एसएचओ सोनवा को कार्रवाई के निर्देशित किया है, कार्रवाई के लिए आदेशित कर दिया गया है। जल्द ही लोगों के ऊपर कार्रवाई दिखेगी। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अंधविश्वास के नाम पे किस तरह से खेल खेला जा रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए अब उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। दरअसल आज सपा अध्यक्ष अपने 37 सांसदों के साथ महाराष्ट्र जाएंगे, जहां वो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को पीडीए फॉर्मूले से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। जी हां, यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने के प्लान में है अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी। सपा के 37 सांसद जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी सपा का पीडीए फॉर्मूला जारी करने का प्लान। यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने का प्लान है सपा का, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की है तैयारी। सपा के 37 सांसद जाएंगे महाराष्ट्र, यह यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने का प्लान बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। महाराष्ट्र में सपा का पीडीए फॉर्मूला अब देखना होगा काम आता है या नहीं। एक तरफ सपा उपचुनाव की तैयारी में जोरों से जुट गया है और कांग्रेस का साथ उसे दोबारा मिलता हुआ देखा गया है। उपचुनाव की 10 सीटों पर अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या फैसला होगा। फिलहाल कांग्रेस और सपा की तरफ से तैयारियां उपचुनाव की जोरों पर है, जहां एक तरफ बीजेपी भी समीक्षा बैठक कर रही है और आने वाले उपचुनाव की तैयारी में है, वहां कांग्रेस और सपा ने भी 7 सीटें सपा तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस ने आपसी सहमति के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
इसी के चलते सपा के 37 सांसद जा सकते हैं महाराष्ट्र, बड़ी खबर आ रही है।